अभी हम लोग है नॉर्थ कुल्लू पे और ये रिवर देख सकते हो आप, इट्स लाइक अमेजिंग। सो अभी हमें 5 मिनट हुआ है खरदुंगला से निकले हुए और अच्छा खासा स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे, और जितनी जल्दी हो सके हम नीचे उतर रहे हैं। और जो हमारे लेफ्ट में आप देख रहे हैं वाइट कलर का, ये पूरा आइस बना हुआ है और ये पूरे साल ऐसा ही रहता है, क्योंकि अभी जो यहाँ का टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा है और इसमें भी ये पिघला नहीं है, तो ये ऑलमोस्ट पूरा साल रहता है। तो भाई जितना जल्दी हो सकता है हम नीचे निकल उतरते हैं आगे। तो भाई इस साइड का रोड का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जितनी जल्दी हो सकता है हम नीचे उतर रहे हैं और भाई नीचे चल के बात करते हैं उससे। सो गाइस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खारदुंगला आज के टाइम पे हाईएस्ट मोटरसाइकिल पास नहीं है, वो 11 नंबर पे है और हाईएस्ट मोटरसाइकिल पास भी लद्दाख में ही है, लेकिन उस किस कारण से पता नहीं उसको हाईएस्ट मोटरसाइकिल पास अभी तक नहीं कहा जाता, लेकिन कहा तो जाता है बट आज भी बाइकर्स खारदुंगला को ही अपना हाईएस्ट मोटरसाइकिल पास मानते हैं, जितने भी वर्ल्ड के बाइकर्स हैं सब इसी को मानते हैं कि खारदुंगला पहुँच जाए। और सिर्फ इंडिया से नहीं आउट ऑफ इंडिया से भी बाइकर्स आते हैं यहाँ पे, क्योंकि खारदुंगला देखना है उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, खारदुंगला देखना है। सो दिस इज द क्रेजी, मतलब लोगों के अंदर तक क्रेज है खारदुंगला देखे, खारदुंगला को देखे। वो आज हमें वहीं जाके पता चल गया कि धक्का मुक्की स्टेट हो गया काइंड ऑफ, लाइक बहुत अच्छा लगा, मतलब दिल से खुशी जैसे कहते हैं ना वो आ गया। और देखो इस सफर का मैंने कुछ अचीव किया है इतना, बहुत लोग आते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरे लिए बहुत कुछ है, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं जरूर आऊँगा खारदुंगला फिर से, पता नहीं कब कैसे क्या सिचुएशन रहेगा बट आऊँगा जरूर। अभी हम पहुंच चुके हैं नॉर्थ कुल्लू और ये आर्मी बेस कैंप है यहाँ पे पूरा। सो यहाँ पे अगर आप आते हो तो चाय वाय पी सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो। और हम वहाँ से ऊपर से आए यहाँ तक और फिर आगे देखते हैं। अभी तो गर्मा गर्म या कॉफ़ी ठंडा हो जाएगा, यहाँ का तो टेम्परेचर इतना लो है भैया। तो कॉफ़ी पी लो, ले लिया कॉफ़ी? अरे ले लिया, भैया ने तो कॉफ़ी पीना स्टार्ट भी कर दिया। हमारे भैया सही नहीं है, बैठ जाओ इधर आ जाओ। भैया कैसा एक्सपीरियंस था ये बताओ? मस्त था यार, थोड़ा जोर से बोलो क्योंकि वो नहीं है, इसमें स्पीकर नहीं लगा हुआ है। लगा हुआ ना ये? अच्छा नहीं है ऐसे भी, मतलब ऐसा वायरलेस लगा। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, बाय वन गेट वन मिल गया यहाँ पे, तो सोचा से खारदुंगला आएंगे स्नोफॉल फ्री में मिल गया। अच्छा लेकिन मजा आ गया भैया? हाँ बहुत मजा आया। चलो हम यहाँ से कॉफ़ी पी के हम निकलते हैं। बस ये रिग्रेट रह गया कि बोर्ड वहाँ पे चेंज हो चुका है खारदुंगला में। हाँ वो इट्स नो मोर वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। नहीं वो तो एक्चुअली अभी है भी नहीं, क्योंकि उससे 19,000 फीट ऊपर हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन सब बाइकर उसी को मानते हैं, जितना बाइकर से मानते हैं, लेकिन वो बोर्ड पता नहीं क्यों चेंज हो गया, मैं एक बार पूछता हूँ उनसे, आपको बताता हूँ। नॉर्थ कुल्लू, सो भैया वहाँ पे 17,000 कुछ फीट लिखा हुआ है, पहले तो 18,000 लिखा हुआ था। 18,000 फुट है वो, लेकिन 17,000 हो गया, उन्होंने शायद गलती से या पता नहीं कोई टेक्निकल इशू की वजह से उन्होंने लिख दिया है, अब एग्जैक्टली नहीं पता ना वो। चलो भाई थोड़ा बहुत तो इसका इन्फॉर्मेशन मिला, बाकी मैं चेक करता हूँ गूगल पे एक बार क्या क्या सीन है वहाँ का, फिर बताता हूँ।
नॉर्थ कुल्लू पे और ये रिवर देख सकते हो आप, इट्स लाइक अमेजिंग। और मतलब क्या कहने हैं ये भाई, लेकिन एक चीज़ आपको भूलना नहीं है, पानी पीते रहना है, पानी पीते रहना है, बिकॉज अगर पानी नहीं पियोगे डिहाइड्रेट हो जाओगे, बहुत जल्दी आपको तबीयत ख़राब होने वाला है, तो इससे अच्छा पानी पियो। भैया चलते हैं यहाँ से, चलो लेट्स मूव, बाय बाय, मिलते हैं आगे। तो हम साउथ पुल्लू पे थे अभी, खाना वगैरह हमने खाया वहाँ पे, मतलब चाय कॉफ़ी लिया, थोड़ा फ़ोटो शूट कर लिया, फिर हमें लोग ले गया यहाँ पे, आगे गेट है। सो भाई अल्टीमेट नज़ारा है स्नो कैप माउंटेन से, अभी बहुत ज़्यादा ऑफ रोड था, क्योंकि ऑफ रोड नहीं बोल सकते, मतलब रोड बन रहा था वहाँ पे, अंडर कंस्ट्रक्शन था, बट हाँ ऑफ रोड तो था, और सामने का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है यार। अच्छा सब लद्दाख में अगर पूरा दिन भी कैमरा चला के रखोगे तब भी आपको मतलब व्यू ख़त्म नहीं होने वाला, सो ठीक है भाई, जो है वो दिखाना तो चाहिए। अभी हम पहुंच चुके हैं खारदुंग विलेज, जो कि खारदुंगला से वही आधा घंटा लग गया एक्चुअली, मुझे हमने एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि हम रुक के खाना खा के फ़ोटो शूट करके फिर आए, तो ज़्यादा टाइम लगता है इधर पहुँचने में। अगर यहाँ पर भी रहना चाहे तो होम स्टे आपको मिल जाएगा यहाँ पर भी, और बहुत लोग रहते भी है, तो हम आज यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। अगर आपको खाना खाना है या होम स्टे करना है, ये छोटा सा विलेज है। अरे ये लोग तो पार्टी कर रहे हैं, नाइस नाइस नाइस, एंजॉय। अभी हम खलसर में हैं और हमने अभी यहाँ पे लंच कर लिया अपना, और लंच करने के बाद हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, और मेक श्योर आज हम उंदर में रुकेंगे। तो कल का प्लान पता नहीं है, भैया बोले पैंगोंग लेक जाना है, बट उंदर से एक दिन से तो रिटर्न नहीं करेंगे, शायद एक परसों भी हम यहीं पे रुकेंगे, यहीं आसपास के ही देख लेंगे कहाँ जाना है, और उसके बाद जाएंगे पैंगोंग। तो कल का डे हमें पता नहीं है एग्जैक्टली हम कहाँ रहेंगे, तो चलते हैं आगे फिर दिखाते हैं आपको। ऐसा कुछ ये कोई रिवर है, इसका पानी का फ्लो देखो, तो आप यहाँ पे राइड भी सब कर सकते हो, यहाँ पे पीछे मैंने देखा है इनका बोर्ड लगा हुआ था, सो लाइक पानी इतना साफ नहीं है, शायद ग्लेशियर का पानी उतर रहा है या फिर मिक्सड हो के थोड़ा मिट्टी भी ऐसा है, यहाँ का डेजर्ट टाइप है, इसके लिए शायद पूरा पानी साफ नहीं है, बट अदरवाइज भाई यहाँ पे आप डेजर्ट बाइक से चला सकते हो, बहुत लोग आके यहाँ पे डेजर्ट बाइक चला रहे हैं बच्चे लोग। Let's go. So, 123 किलोमीटर है यहाँ से, डिस्किट भी इधर है। So, ये टी पॉइंट है, यहाँ से हमें डिस्किट तरह जाना पड़ेगा। खारदुंगला पार करोगे ना? हाँ। नुब्रा विलेज शुरू हो गया। ओके। अभी नेक्स्ट आप 100 किलोमीटर तक जा सकते हैं, इस तरफ 100, उस तरफ 100। सब नुब्रा वैली है? सब नुब्रा वैली है। ओके। शेयोक रिवर चलता है। अच्छा, ये कौन सा रिवर है? शेयोक रिवर। शेयोक। ओके। अच्छा अच्छा, ये शेयोक कहाँ से उतरता है? वो टिबेट से आता है। टिबेट से आता है। ओके ओके। अभी पेट्रोल पंप है आसपास और आगे, आपको अगर तुर्क साइड जाओगे तो आपको मिलेगा पेट्रोल पंप। गलेश्वर की तरफ जाएगा तो नहीं मिलेगा। अच्छा, हम लोग उंदर रहेंगे, उंदर के बाद उंदर में मिले बाद नहीं, उंदर से पहले। अच्छा अच्छा, और यहाँ पे पेट्रोल की कीमत ऑलमोस्ट सेम है, 21 किलोमीटर जो ले में प्राइस था वो भी यहाँ पे भी है 107, थोड़ा पैसे का फर्क है, अदरवाइज सेम ही है। तो अभी देखते हैं, रिफ्यूलिंग कराते जितना हो सके करवा लेंगे। तो लद्दाख में घुसने के बाद हमें पहली बार ऐसे पेड़ दिखे जो कि बहुत ज़्यादा है, और वो है दिस्कित मॉनेस्ट्री। अभी हम वहाँ पे जाएंगे शायद, भैया को पता होगा, हम ऊपर चलते हैं फिर देखते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह है, खाना खाने के लिए फंस जगह है, दिस्कित फेमस है मॉनेस्ट्री के लिए, तो हम वहाँ जाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस पहुँच गए दिस्कित मॉनेस्ट्री, दिस्कित विलेज विलेज इधर ही है, हम जा रहे हैं दिस्कित मॉनेस्ट्री देखने, हम सोच रहे थे कि कल देखें बट आज ही ख़त्म करते हैं, आज ही बढ़िया रहेगा, टाइम भी अच्छा है,
और इस टाइम मॉनेस्ट्री देखने के लिए मतलब सही परफेक्ट टाइम हो सकता है। हमें उंदर जाना था बट उंदर के बीच में दिस्कित आता है तो मैंने सोचा एक बार दिस्कित देख के चलाते और यहाँ का फेमस जो है उसको हम दिखा देते। सो फाइनली हम दिस्कित मॉनेस्ट्री से निकल रहे हैं और काफ़ी भीड़ है आज यहाँ पे। शायद वो दिस्कित पैलेस होगा, वहाँ भी लोग जा रहे हैं बट फिलहाल तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लेट करना सही नहीं होगा। हुंदर यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है लेकिन अब रिजल्ट रोड मिलेगा आई थिंक, और उसे क्रॉस करते हुए 23 मिनट तो यहाँ से दिखा रहा है बट मुझे नहीं लगता 23 मिनट में हम पहुँच पाएंगे। करीबन हम अभी एक्सपेक्टेड टाइम यहाँ पे दिखा रहा है 4:21 को बट हमें लग रहा है कि इस हिसाब से रोड है 4:50 या 5 तक हम पहुंच जाएंगे। बट यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा, ये आप जो देख सकते हो ना ये सब दिस्कित लेक्स जो विलेज है उसके घर होटल होम स्टे यहाँ पे भी बहुत लोग स्टे करते हैं कि आगे ना जाके यहाँ पे रुक जाते फिर यहाँ से आगे बढ़ते रहते हैं। अब फिर यहाँ का सिनेरियो चेंज हो चुका है, अब आ गया है डेजर्ट रोड। यहाँ पे डेजर्ट सफारी सब चलता रहता है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि वहाँ पे डेजर्ट के सब एक्टिविटीज़ होते हैं तो यहाँ पे फुल्ली डेजर्ट है और यहाँ पे जैसे कैमल वगैरह ये सब राइड होता है आई थिंक जितना मुझे पता है। अभी बाकी तो पूछना पड़ेगा आगे क्योंकि मैं भी पहली बार आया हूँ, मुझे भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस रोड के बारे में बट जितना हो सकता है मैं आपको उतना ही ज़्यादा दिखाऊँगा। अभी हम अंदर पहुंच चुके हैं लाइक सो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे कैंप्स और होम स्टे वगैरह दिख तो रहा है हल्का पुल्का, आगे चलते हैं पता चलेगा क्या सीन है आगे का। अभी हम अंदर पहुंच चुके हैं, मास्क को हटा लेता हूँ, अभी थोड़ा अंदर पहुंच चुके हैं। अभी अंदर पे हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, ये भैया निकल रहे, बहुत अच्छा गेस्ट हाउस है मतलब रूम से यहाँ पे कैंपिंग साइट ही है तो हमने रूम ले लिया बिकॉज हमें बहुत अच्छा डील मिला है यहाँ पे लाइक अराउंड 1500 में इंक्लूडिंग डिनर एंड ब्रेकफास्ट और रूम इज लाइक वेरी क्लीन, बहुत अच्छा रूम है मतलब मैं आपको रूम टूर दिखाता हूँ, रूम से व्यू जो है ना पैसा वसूल। और अभी हम थोड़ा आगे जा रहे हैं देखने घूमने के लिए कहाँ जा सकते हैं, बस लोकेशन व्यू इज लाइक अमेजिंग गुड। और कल एक सरप्राइजिंग जगह पे जाना है, बहुत लोगों को पता है बट हम भी पहली बार जा रहे हैं। कल का वीडियो आप मिस मत करिएगा कि कल हम बहुत स्पेशल जगह पे जाएंगे। सो गाइस अभी हम अंदर पे निकले थे, आप देख सकते हो यहाँ पे पानी है, ऊपर पहाड़ है, रिफ्लेक्शन देखो आप, क्या मस्त व्यू है भाई, क्या मस्त व्यू है। तो हम आ चुके हैं अंदर के सैंड ड्यून्स पे और यहाँ पे ऐसा भीड़ लगा हुआ है, लग रहा है कि पूरा लद्दाख यहीं पे बसा हुआ है, आप देख ही सकते हो। और पार्किंग देखो एकदम आगे तक लगा हुआ है यहाँ पे पार्किंग, तो इट्स नाइस। हमारे दोनों बाइक यहाँ पे खड़े हुए हैं तो मैं आपको थोड़ा रूम का टूर दिखा देता हूँ और जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं उस जगह को भी दिखा देता हूँ।
तो मेरे रूम से भी पूरा माउंटेंस जो आप पीछे देख रहे हो माउंटेंस पूरा दिखता है यहाँ से। अभी थोड़ा लाइट कम है और यहाँ पे कैंपिंग साइट भी है, आपको अगर कैंपिंग करना है तो आप कैंपिंग कर सकते हो, या तो आपको अगर रूम में चाहिए तो आप रूम में देख सकते हो। मैं आपको रूम एक बार दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द डाइनिंग एरिया एंड बहुत अच्छा यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है इन्होंने। सो भैया क्या हालचाल, रूम कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है रूम एकदम। वैल्यू फॉर मनी है, वैल्यू फॉर मनी। यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा रूम, लेकिन आप जस्ट व्यू देखो यहाँ का, मतलब सुबह उठते ही आपको इस बेड से ये व्यू मिलेगा, मतलब अमेजिंग। अभी थोड़ा लाइट कम हो गया क्योंकि अभी शाम के ऑलमोस्ट शाम के 6:30 हो गए, मैं एक बार टाइम चेक कर लेता हूँ, 7 बज गए, तो देख के नहीं लगता कि 7 बजे, बट लेह लद्दाख में यहाँ पे ऐसे ही थोड़ा शाम से मतलब लेट से ही शाम होता है सूरज। सो गाइस इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।